स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुठैया क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है आपकी पदार्थ का जो कण है अर्थात परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे उच्चतम कण होता है और इसकी बहुत सारी थियरी थी जिसमें महर्षि कणादि ने बताया था, लगभग 800 ईसा पूर्व उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो क्या होता है, पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, परम कण कहते हैं। उन्होंने परम कण नाम दिया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस परम कण को परमाणु नाम दे दिया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने उसे परम कण को परमाणु नाम दे दिया। कुछ लोगों का कहना था कि जो परमाणु होता है वो पदार्थ का अति सूक्ष्म कण या पदार्थ का वह कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता वो पदार्थ है, ठीक। या कुछ लोगों ने परमाणु को यह बताया कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण है या अविनाशी कण है, उनको हम परमाणु कहते हैं। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं कर सकते, बहुत छोटा कण जो होता है पदार्थ पदार्थ का उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। ये महर्षि कणादि ने बताया था कि परमाणु क्या है। जैसे अगर परमाणु की बात करें, सिंपल सा परमाणु ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ परमाणु का परमाणु क्या, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित न किया जा सके, या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, अविभाज्य हो, जो अविभाज्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। महर्षि कणादि वो उन्होंने कब बताया, महर्षि जो थे, महर्षि कणाद नाम भी देखो, इन्होंने 800 ईसा पूर्व, पहले पढ़ चुके हो, बस सुनते रहो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 800 ईसा पूर्व उन्होंने बताया कि महर्षि कणादि ने क्या बताया कि जो भी परमाणु है वो पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है, पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है और इसी को परम कण नाम दिया। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, अपने 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 मत अलग दिए, तो इसी परम कण को क्या कर दिया, परमाणु नाम दे दिया। अब इसी में एक साइंटिस्ट थे आपके एंटोनी एल लवाइजर, उन्होंने कुछ थियरी भी बताई, अपने सिद्धांत बताए कि किस तरह से परमाणु जो है कार्य करता है या पदार्थ की संरचना क्या क्या होती है। कुछ नियम भी प्रस्तुत किए थे, जो उनके नियम थे वो रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उन्हें जो है याद किया जाता है कि धन्यवाद लोग करते हैं, भाई शुक्रिया आपने जो है ऐसे नियम बनाए जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के बारे में पढ़ सकते हैं या परमाणु के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका कि रासायनिक संयोजन के नियम, जो भी पदार्थ के कण होते थे किस तरह से वो बने होते हैं। देखो पदार्थ, अगर हम परमाणु की बात करते हैं, परमाणु छोटा पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब वो परमाणु एक से अधिक जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, फिर वही अणु आपस में मिलके पदार्थ का निर्माण कर लेता है। और फिर जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ या परमाणु हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जब परमाणु होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसे एक यौगिक बन जाता है, या अणु आपस में मिल जाते हैं तो जो है यौगिक बन जाता है। अब यौगिक जो बन रहा है वो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है किसी चीज में भी परिवर्तन जो आ जाए, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, लाइक केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसका सिंपल सा मतलब है कि परिवर्तन। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी यौगिक आप बना रहे हो या कोई भी पदार्थ बना रहे हो, तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। वो परिवर्तन किस कारण से हो रहा है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं कि वो परिवर्तन हो सकता है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, उसके टेस्ट में परिवर्तन हो रहा है, या उससे कोई गैस का निर्माण हो रहा है, या उससे उसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लाइक एकदम चेंजेस जो भी नॉर्मली जो चेंजेस होते हैं वो रासायनिक हमारे अभिक्रिया में आ जाते हैं। तो ये हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। अगर इसको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखें तो लगभग 5 प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन
दूसरा है आपका वियोजन, ठीक है, फिर तीसरा आपका विस्थापन, विस्थापन, फिर चौथा है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, पांचवा है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसको संयोजन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन है आपका डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, ठीक है, डीकंपोजिशन, विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आते हैं, अर्थात संलयन और विघटन दोनों। आप इधर बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, ठीक है, तो सामने से प्रॉपर दिखेगा, यहाँ बैठे पड़े एकदम किनारे में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया, ये अभी आगे आप पढ़ोगे टेंथ में जब जाओगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल फिर भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अभी क्या है, आप जो है दूध, मिल्क ले लो, ठीक है, या दूध हो गया, इसमें नींबू का रस मिला दो तो क्या होता है, फट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नींबू मिलाओगे तो, अगर दूध में नींबू मिला दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में, दही में बदलने लगता। तो ये क्या है, अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज मिलाया गया, कोई पदार्थ मिलाया गया तो वो क्या हो गया आपका, तुरंत दही में बदल गया। इस तरह से ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, दूध में नींबू मिला दिया तो दही बन गई, दूध अगर है उसको उबाल दो फट जाए थोड़ा सा तो फिर उसको पनीर बना लो, ये सब क्या है, परिवर्तन है। जैसे शुरुआत में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ बना उसको हम दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते, वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे जो भी नए पदार्थ बनता है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए और उसी नियम को हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है किसी भी नए पदार्थों के जुड़ने से नया पदार्थ बनता है, दो पदार्थों के जुड़ने से नया पदार्थ बनता है, और जब जुड़ना, जुड़ना का मतलब ये होता है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया मतलब ये है कि जो पदार्थ संयोजित होकर नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और किस नियम के द्वारा वो जुड़ रहे हैं आपस में, उसी को हम संयोजन बोलते हैं। सिंपल सी बात करें तो संयोजन का मतलब ही जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दो तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। भाई जैसे कलर करते हो, लाल में सफ़ेद मिला दो तो क्या बनेगा, पिंक कलर आ जाएगा, लाल में सफ़ेद मिलाओगे पिंक आना ही आना, तो परिवर्तन हुआ, अर्थात इस प्रकार से वो अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनका अपना एक वजूद होता है, एक रीजन होता है, एक कारण होता है, और एक पर्टिकुलर नियम के ही द्वारा वो जुड़ते हैं, इसीलिए उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम। इसमें जो रासायनिक संयोजन के नियम थे, जिसमें आपका पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था बताओ, कल पढ़े थे ना, अगर सही नियम की बात करें तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को क्या बोलते हैं, या इसको अविनाशिता का नियम, ठीक है, अविनाशिता, अविनाशिता, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
एक ये नियम था आपका, दूसरा क्या था, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम, मतलब कोई भी पदार्थ जब जोड़े जाते हैं आपस में तो एक निश्चित अनुपात में जोड़े जाते हैं, लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखो लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर बताया गया था कि कितने भी कोई भी जो लॉज है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है उसके आधार पर यह बताया गया कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है उनको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं, यानी मैटर जो है पदार्थ जो है मैटर नार बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड इट्स चेंज इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब जो भी पदार्थ होते हैं उनको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उनको हम बना सकते हैं ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो हमेशा निश्चित अनुपात में भी अनुपात भी उनका बराबर रहता है, पहले तो ये बताया गया कि उसको ना तो हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं ठीक है। दूसरा वाला जो था कि जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो उत्पाद बनते हैं वो निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, जैसे इसमें आपका वाटर की बात कर लें H2O CO2, इसमें क्या है हाइड्रोजन दो है आपके, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है, जुड़ गया तो क्या बन गया H2O ठीक है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है तो जुड़ने के बाद क्या हो गया तुम्हारा CO2 बन गया, तो इसमें एक निश्चित अनुपात यानी यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक 2H2O1 दो अनुपात एक के अनुपात में जुड़ा हुआ है ठीक है। इस तरह से जैसा कल बताया गया था आपको कि जो है अगर सब्जी बनानी है एक किलो आलू की सब्जी बनाओ और आधा किलो नमक डाल दो तो क्या होगा सारी सब्जियां धज्जियां उड़ जाएंगी, तो उसके लिए आप कहते हो ना स्वाद अनुसार एक चम्मच ज्यादा से ज्यादा नमक मिलाओ, तो ये आपका निश्चित अनुपात का नियम है। अब लाभ कंजर्वेशन मास में आपको बताया गया था कि जो एक महोदय थे जिनका नाम था MB लोमोनोसोव ठीक है, MV लोमोनोसोव ने बताया ये इस नियम का प्रतिपादन किया था लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनके अनुसार था कि द्रव्य क्या होता है अविनाशी, मतलब जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते और ना ही इनको हम बना सकते हैं ना ही इनको हम बिगाड़ सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, मतलब क्या था द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नाश किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अभिक्रिया से पूर्व रहता है, जितना पहले था प्रोडक्ट जब मिल जाता है तब भी उतना ही रहता है, ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा निश्चित अनुपात वाला आपको बता ही दिया कि कोई भी पदार्थ बनता है तो उनमें जब तत्व जुड़ते हैं तो एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं, वो अनुपात उनका गड़बड़ नहीं होता, अगर वो अनुपात बदल गया तो इसका मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। तो आप भूलोगे तो नहीं ना इसको ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास इसको भेजते रहें, शेयर करते रहें।